In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial, I am Faisal Bashir from 9th standard. I start my presentation with greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am delivering a topic that is chloroplast. It was discovered by Schumacher in 1885. तो आज मैं आपको इसका इसकी फंक्शंस और इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. तो जो पहली वाली लेयर आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. और जो है आपको अंदर वाली लेयर दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. वो जो है आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल. वो जो है आपको बॉल्स दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स. और जो इसका ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं ग्रेनम. जो ये ग्रेनम होता है, ये थैलापॉड्स का बना होता है, इसलिए हम इसे पाइल ऑफ थैलापॉड्स भी कह सकते हैं. और जो इसमें ब्लैक कलर के डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं स्टोमा. इसमें प्रोटीन होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का. तो अब मैं आपको इसकी फंक्शंस बताऊंगा. तो अब मैं आपको इसकी फंक्शंस दिखाऊंगा. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो जो पहली फंक्शन है इसकी वो ये है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, और जो इसकी दूसरी फंक्शन है वो ये है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि एक एसेंशियल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और जो अब इसकी तीसरी फंक्शन है वो ये है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये अब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी और उसी लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. और जो इसकी लास्ट फंक्शन है वो ये है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में. तो मैं यहां पर लिखूंगा, तो ये थी फंक्शंस और स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का. तो आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ.